नमस्कार दोस्तों, बात एक बहुत ही गंभीर निकल कर के सामने आई है। भोपाल की घटना है। भोपाल में बीजेपी विधायक की फेसबुक पोस्ट के ऊपर कमेंट में जय श्री राम लिखने पर एक मुस्लिम शख्स को उसके समुदाय के लोगों ने ही पीट दिया, पत्नी को भी पीटा, 4 साल बच्ची को भी उठा कर पटक दिया। उसे जो है कौम का गद्दार कहा गया, उसके घर में तोड़फोड़ की गई। ये काफ़ी ही बड़ा एक घटना है भोपाल का, क्योंकि इस तरीके की घटनाएं आजकल देखने को मिल रही है। और ये घटना इसलिए भी गंभीर हो जाता है क्योंकि उसने सिर्फ कमेंट में, किसी भाजपा नेता के कमेंट में जय श्री राम लिखा, उसके बाद उन्हीं के कौम के लोगों ने आकर के मारा पीटा, तोड़फोड़ किया, बच्चे को मारा पीटा। तो ये देखना पड़ेगा कि आखिर ये समाज जा कहाँ रहा है, इतनी वैमनस्यता और इतना कट्टरपन आखिर क्यों है। घटना कोकता में रहने वाले मुनव्वर अंसारी के साथ हुई है। मुनव्वर पेशे से कारपेंटर है। उसका कहना है कि वह भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा का समर्थक है, वो रामेश्वर शर्मा को पसंद करता है, रामेश्वर शर्मा के काम करने के तरीकों को पसंद करता है और भाजपा की नीतियों को पसंद करता है, मोदी की प्रधानमंत्री को पसंद करता है। और उसका ये कहना था कि विधायक के पोस्ट पे उसने लाइक किया और जय श्री राम लिखा, और उसके बाद से ही जो कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग थे उन्होंने आकर के उसको पिटाई किया, घर में घुस गए, तोड़फोड़ किया। और मुनव्वर के पड़ोसी जो हैं सोहेल अहमद ने उसका कमेंट पढ़ करके मोहल्ले में बात फैला दी कि वह हिंदूवादी नेताओं का साथ देता है, हिंदूवादी बातें करता है और हिंदूवादी नेताओं के साथ रहता है, यह कौम के लिए गद्दारी कर रहा है। मोहल्ले की रहमत मस्जिद में आरोपियों ने उसे सबक सिखाने का फैसला किया और बुधवार शाम को 7 बजे शारिक अंसारी, सुलेमान, सोहेल, अख्तर अहमद समेत 15 लोग उसके घर में घुस गए, उसकी पत्नी को भी पीटा, घर के बर्तन फेंक दिए, बोले अब बुला लो बजरंग दल वालों को, ये धमकी भी दिया गया। और ये सारी घटनाएं भोपाल की है। और इसके बाद माहौल वहां पे गर्म हो गया, लेकिन पुलिस पहुंच करके मामले को शांत कराने की कोशिश की और मामला तनाव ऐसे बना हुआ है, लेकिन अब मामला जो है थोड़ा सा कंट्रोल में है और जो सरकार के लोग हैं उनकी पूरी पैनी नज़र है। और समाज में ऐसी घटनाएं होता है तो कहीं ना कहीं समाज में अशांति फैलती है, क्योंकि हर कोई हमारे भारत में स्वतंत्र है कि वो कहाँ किसको सपोर्ट करेगा, किस पोस्ट पे क्या लिखेगा और वो कैसी सोच रखता है और किसके साथ रहता है, ये हर किसी का स्वतंत्रता का अधिकार है। लेकिन कुछ ऐसे समाज के गलत व्यक्ति होते हैं जिन्हें कि ये बर्दाश्त नहीं होता है और वो लड़ाई झगड़ा पे उतारू हो जाते हैं। खैर, मामला अभी कंट्रोल में है। जय हिंद, जय भारत।